सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंकज थोराट मेरे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। नमस्ते पंकज जी, बताइए क्या परेशानी है। हाय प्रियंका मैम, एक्चुअली मुझे तीन क्वेश्चन है। मैंने पुणे में प्रॉपर्टी लिया था मार्च 2016 में, मुझे पोजीशन मिला था। प्रॉपर्टी जो है वो मेरे और मेरे मम्मी के दोनों के नाम पे है। हावेवर जो ईएमआई जो है वो मैं अकेला ही भरता हूँ। तो उस केस में मुझे तीन क्वेश्चन थे। जो प्रॉपर्टी है वो मेरे अभी की करंट लोकेशन पे है, और क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ तो मैं वन रूम किचन में ही रहता हूँ, और मेरा जो प्रॉपर्टी है वो 2 BHK है। तो इस केस में जो प्रॉपर्टी है वो मेरे घर के पास ही है, बट मैं उसमें रहना नहीं चाहता हूँ। तो मैं HRA क्लेम कर सकता हूँ या टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ क्या? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स ये जो HRA का जो बेनिफिट है वो 1013 में है, और जो होम लोन का जो बेनिफिट आपको मिलता है वो सेक्शन 80C और 24B में। ये तीनों सेक्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप एक क्लेम कर रहे हो तो दूसरा क्लेम नहीं कर सकते। तो जहां तक आपका सवाल है कि आपका HRA आप क्लेम कर रहे हैं और एक्चुअल रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आपको घर का पोजेशन मिल गया है, परंतु चूंकि ये मकान आपका उसी शहर में जहां आप रहते हो, तो आपको मुश्किल होगा यह प्रूव करना कि आप एक्चुअली दोनों जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पर अगर ये फ्लैट अगर आप किराए पर दे देते हैं तो जो जो आपका होम लोन वाला जो मकान है उस पर 80C और 24B की डिडक्शन आप आराम से क्लेम कर सकते हैं, और जो वन रूम किचन में आप रहते हैं उसका रेंट का भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ये घर दूसरी जगह होता, जैसे आप पूना में रहते हैं और आपका मकान कोई दूसरी जगह खरीदा हुआ होता और वो खाली रहता तो आप तो भी आपको वो बेनिफिट मिलता था, परंतु चूंकि दोनों एक ही जगह पे है तो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपका कंटेंशन नहीं माने। पर चूंकि आपकी जो इंटेंशन है इसको किराए पे देने की है, तो जब किराए पे दे देंगे तो आपका जो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर आप लेट आउट करते हैं तो जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं आप पूरा का पूरा क्लेम करते हैं।